परमेश्वर के नाम को इस अनुग्रहित सुबह में महिमा मिलने पाए। गलातियों की पुस्तक 5:13 में इस तरह लिखा है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बने। अनुग्रहित पवित्र शास्त्र में से इस सुबह परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, प्रेम से एक दूसरे के दास बने। इस विषय पर मनन करने में प्रभु हमारी सहायता करे। मेरे प्रियो, हमारे नौकरी के स्थानों में परमेश्वर ने जो हमें जिम्मेदारियां दी हैं, चाहे वो सुसमाचार सुनाना हो, उस जिम्मेदारी को हृदय की गहराई से प्यार करने वाले हैं तो अपनी सर्विस निश्चित रूप से फलप्रद हो जाएगी। एक संस्थान में कार्य करने वाला व्यक्ति सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए ही नौकरी ना करे, लेकिन यदि आप उस नौकरी को प्यार करने वाले हों तो निश्चित रूप से उसकी भलाई उस संस्थान को प्राप्त होगी। उस काम के प्रति आपकी भावना दूसरों के लिए बहुत शिक्षाकारी होगी। उस नौकरी और उस संस्थान को हम स्नेह करने वाले बने। अगर स्नेह नहीं है तो हम स्वार्थी बन जाएंगे। हमने जो वाक्य पढ़ा उसका अंतिम भाग के वो 3 कितने मधुरता से भरे हुए हैं, प्रियो, प्रेम से एक दूसरे के दास बने। हम कोई सी भी सेवा करें, लेकिन ये निश्चित जरूर कर लें कि जो भी करें स्नेह से करें। स्नेह रहित की गई सेवा हमें स्वार्थी बनाती है और स्नेह के साथ की गई सेवा निस्वार्थ होती है और ऐसी सेवा एक दूसरे के अनुग्रह का कारण बनती है। प्रेरित पौलुस सभाओं के लिए लेख लिखते समय बहुत ही कौशलता के साथ कहने वाली एक साक्षी कही कि मैं तुमसे कुछ भी अपेक्षा किए बिना तुम्हारा कुछ भी मैं आग्रह नहीं करता, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। इसके लिए मैं स्वयं मेहनत और प्रयत्न कर रहा हूँ। इसलिए इस प्रभात में निस्वार्थ भाव से सेवा करने में स्नेह परमेश्वर हमारे अंदर देने पाए। एक राजा अपने विशेष मंत्रियों के साथ बाहर के नज़ारे देखने के लिए निकला। बाहर के नज़ारे देखते वक्त राजा की नज़र एक बगीचे पर पड़ी। उस बगीचे के एक कोने में एक वृद्ध गार्डनर अखरोट का एक छोटा पौधा लगा रहा था। राजा अपने मंत्रियों के बीच से निकलकर उस वृद्ध के पास पहुंचा और उससे पूछा, तू इस बगीचे का गार्डनर है या इस बगीचे का ऑनर है? बहुत ही विनम्रता के साथ वृद्ध बोला कि मैं इस बगीचे में मजदूर हूँ, पर मेरे दादा परदादा ने इसी बगीचे में काम किया और अपना जीवन व्यापन किया। राजा ने उस वृद्ध से कहा कि मेरे नजरिए से आप बहुत वृद्ध हो चुके हैं और आप जिस पौधे को लगा रहे हैं उसमें अखरोट फल आने में 20 से 30 साल लग जाएंगे, तो आप जिस पौधे को लगा रहे हैं उसके फल खाने के लिए आपकी आयु कम पड़ जाएगी, फिर क्यों आप ये पौधा लगा रहे हैं? राजा का प्रश्न अप्रत्याशित था, फिर भी उस वृद्ध ने विनम्रता और निष्कलंकता से जवाब दिया, राजा, मैंने मेरे जीवन में जो फल खाए वो किसी और के लगाए हुए पौधे थे। मेरे हाथों से लगाए हुए पौधे के फल मैंने बहुत कम खाए हैं, इसलिए इस पौधे को लगाकर मैं ये आग्रह करूंगा कि मेरी आयु बढ़े या ना बढ़े, पर इस पौधे के फल किसी न किसी के काम जरूर आएंगे। हम जिस कार्य के करें उसका फल हम ही भोगें, ये चिंता बिल्कुल स्वार्थ चिंता है ना राजा? उस वृद्ध के अपने काम के प्रति निस्वार्थता को देख राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और राजा ने उसे सम्मानित किया। मुझे सुनने वाले प्रियो, हमारा कार्य चाहे कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा हो, या फिर ऐसा कार्य हो जो दूसरे नहीं कर पाए, या फिर दूसरे भी उस कार्य को कर सकते हो, चाहे कुछ भी हो, पूर्ण स्नेह से कार्य करें और उस कार्य से परमेश्वर की महिमा हो। निश्चित रूप से स्नेह पूर्ण की गई सेवा का बहुत बड़ा प्रतिफल जरूर है। आपका दिन आशीषित हो।